और मुझे नहीं लगता ये रोटी बनेगी। ये देखे रिवर हमारी न्यू रेसिपी। ये देखे व्यूअर्स, ये देखे व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब प्यार खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। और व्यूअर्स, आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, मेरी एक सिस्टर है, उसने मुझे कहा था कि बेसन की रोटी बनती है जैसे कि चावलों की रोटी बनती है, तो मैंने सोचा कि उन्हें बेसन पड़ा हुआ है तो आज बेसन की रोटी बना के खाते हैं और अपने व्यूअर्स से भी शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि रोटी बनती है कि नहीं। ये देखें जी, ये है बेसन, काफी नहीं है क्योंकि पहली मरतबा बना रहे हैं ना। हाँ जी, और ये जो मिसाले पड़े हुए हैं ये इसमें ऐड करने हैं, पहले इनको ग्राइंड करना है। हाँ, इधर इधर कोट के। हाँ। अच्छा जी, चलो। ये हैं जी मिसाले जो आज की रेसिपी में ऐड होंगे। आज की हमारी न्यू रेसिपी है, पता नहीं कैसी बनती है। ये देखें जी व्यूअर्स, मिसाले मिसाले इसमें ऐड हो गए हैं। नमक का पैकेट पूरा डालो, डाल दो पूरा पैकेट। नहीं नहीं, वो उस दिन की तरह ना डालना जैसे चिप्स बनाई थी। ये देखें व्यूअर्स, अजवा और अली हमजे को पता चला कि ये कुछ बना रहे हैं। ये भी आ गए, ये देखें, ये देखें जी। अरे आपी जी, अगर आप देख रही हैं तो आपने बताना है, पहले तो आप हंसे जी। ये तैयार हो गया, मैं इसे आटा ही कह देता हूँ कि जो हमारा आटा है वो बेगम साहब ने गोंद लिया है, और तो मुझे इसका नाम नहीं आता। और मुझे नहीं लगता ये रोटी बनेगी। ये देखे रिवर्स हमारी न्यू रेसिपी। घी डाल, घी 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 की जरूरत है, आग ज्यादा है, घी डालो साइडों पे। नहीं नहीं, बन जाएगी, वैसे कोशिश करें। घी डालें ना नीचे, ये बन रही है। नहीं, आग ना ज्यादा करो ना, जल जाएगी। कच्ची है नीचे से, इसलिए नहीं कर रही। ये देखें बस। मैंने कहा ना कि जल जाएगी, तब ये पूरी जल जाएगी, फिर डालोगी घी। ये देखें, चले जी। यार समा आपने कैसे रख के दिया मुझे। ये लो जी, बस करें इसका, अब आग ज्यादा है इसमें। अरे ना, इसे खा के चेक करेंगे। मुझे तो लगता है ये
हमारी जो रेसिपी है ये नाकाम है। क्यों? ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, बंदा ना बना रेसिपी इतने जल्दी। व्यूअर्स चाहे जली हुई भी रोटी थी, क्या रहा तो जली हुई रोटी जो है वो ये खा गया पूरी, लेकिन मजेदार थी ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल चाहे जली हुई भी थी बहुत ही जबरदस्त थी। और आप गलत कर रही हो, घी अंदर नीचे डाला नहीं इसके। ओहो अच्छा चलो खैर है। ये देखें जी, यार ये तो चिपक जाती है नीचे। हाँ चिपक जाती है, आपने घी नहीं डाला ना, बार बार कह रहा हूँ घी डालें घी डालें। व्यूअर्स एक साइड जो है ज्यादा जल जाती है, ये देखें एक साइड ठीक है, ऐसे ही रखते हैं अभी। चाहे जली हुई भी है ना तो फिर भी मजेदार है खाने में। ये देखें घी डाला है ना, मुझे अब सही हो रही है। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसे कहा ना नीचे घी डालें फिर सही होगी, तो अब सही बनी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये रोटी जबरदस्त बनी है। जिस सिस्टर ने बताया ना, जब वो देखेगी ना पहली तो रोटना जी। चले कोई बात नहीं, ये देखें जी मैंने जो इसमें भी बस गरम मसाला डाला ना, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे हल्की आंच पका रही हूँ, वो रोटी वो वाली रोटी जल गई हैं। चले कोई बात नहीं है। ये देखें जी, ये देखें व्यूअर्स, ये आखिरी रोटी है और सबसे बड़ी है। काफी धूप है, तकरीबन अब ढाई तीन का टाइम है, तो गर्मी भी काफी ज्यादा है, धूप निकली हुई है। अब मुझे आ गया तरीका पकाने का, ये देखो। हाँ जी ये देखें व्यूअर्स, ये सही बन रही है, थोड़ी सी जल तो गई है लेकिन फिर भी सही बनी है। ये सही बनी है। हाँ सही बनी है, और कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है ना। हाँ जी और बाकी रोटी भी ये देखें, ये भी अच्छी बनी हुई है माशाल्लाह। उतार लो जल ना जाए। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बन गई है। गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ जी गर्मी तो है माशाल्लाह। व्यूअर्स आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है, खुशबू मुझे यहीं से आ रही है, बेगम साहबा वहाँ लेके बैठी है और मुझे खुशबू यहीं पे आ रही है। हाँ जी व्यूअर्स, जो मैंने मिसाले इसमें ऐड किया ना, माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और जब हम ये रेसिपी बना रहे थे तो हम डाल करके बना
लेकिन ये रेसिपी नाकाम ना हो जाए। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी रोटियां बनी हैं बेसन की, और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा और आप भी आ जाएं हमारे साथ ये बेसन की रोटी खा लें। और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो फिर से कह रही जाऊँ को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें। आज के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।